बस में सवार लड़के की गर्दन कट गई, लड़के की वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई। दो लोगों के हाथ कट कर अलग हो गए और दोनों की हालत गंभीर है। इलाज के लिए रायगढ़ रेफर इनको कर दिया गया है। देर रात सुखरा पारा की घटना है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पत्थलगांव थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी गर्दन कट गई और इसमें दो लोगों के हाथ कट गए। और रमेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। रमेश, ये हादसा हुआ कैसे? चलिए फिलहाल थोड़ी देर में बातचीत करेंगे और ये जानेंगे, उनसे अपडेट लेंगे कि ये हादसा हुआ कैसे। भीषण सड़क हादसा हुआ है, दो लोगों के हाथ कटकर अलग हो गए। सोचिए, दो लोगों के हाथ कटकर अलग हो गए और एक लड़के की गर्दन कटकर अलग हो गई। एक की मौत हुई है, दो को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को, देखिए एक बार तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब सीसीटीवी फुटेज दिखाना आपको जरूरी है, वो फुटेज आगे कीजिए। ये तो पत्थलगांव थाने का बात है। अब जो हादसा जैसे हुआ वो हमें, ये देखिए, ये एक तरफ से बस आ रही थी और दूसरी तरफ से ट्रक आ रही थी। दोनों की रफ्तार बहुत तेज थी। आप देखिए, ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। क्या जो बैठे थे बस में, उन्होंने अपने हाथ को बाहर निकाला था, अपनी गर्दन को बाहर निकाला था? और दूसरी बात, इतनी करीब से ट्रक क्यों गुजरी? देखिए, गलती तो सवारियों की होगी, अगर ऐसा होगा तो। हम रमेश से पूछेंगे कि यह हादसा हुआ कैसे, लेकिन एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाएंगे। ये तो थाने की तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये वही बस है, इसी बस में सवार लड़का था जिसकी गर्दन कटी है और दो लोगों के हाथ कटकर अलग हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। रमेश, आपको आवाज अगर आ रही हो तो क्या ये हादसा कैसे हुआ, ये बताइए कि क्या लड़के ने बस की खिड़की से गर्दन बाहर निकाला था? ये हादसा हुआ कैसे? ये जो दराती बस है और ये अंबिकापुर से धर्मगढ़ लौट रही थी, और लेकिन वहां प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ये बस तेज रफ्तार में नहीं थी और अपने साइड में ही थी, और पत्थलगांव से जो अंबिकापुर एक जो ट्रक थी काफी रफ्तार से तेज रफ्तार में थी वो हाईवा, और उसके बहुत इसको साइड देने के बाद भी उसने बहुत इसके करीब से लगा के, और ये लोग स्वाभाविक है जो गर्मी का रात का समय था और इन लोगों ने हाथ खिड़की से निकाले हुए थे। इसी दौरान वो जब ट्रक ने इनको ठोकर मारी किनारे से, तो एक दो लोगों के हाथ कट गए, वहीं एक और जो दूसरा बालक था वो उसके सिर कटने के बाद में वो वहीं स्पॉट पे इसकी डेथ हो गई है। और इस मामले की जैसे ही इनको चोट लगी तो अफरा तफरी मच गई। बस चालक ने बस रोक दी थी और रोकने के बाद में तत्काल वहां संयोग ये था कि वहां पर पत्थलगांव की जो पुलिस पेट्रोलिंग टीम हाईवे में गश्त करती है वो भी बहुत जल्दी पहुंच गई थी, और उसने वहां पर पत्थलगांव से एम्बुलेंस बुलवाई। एम्बुलेंस के बाद में वहां पर डॉक्टरों की टीम भी पहुंची हुई थी स्पॉट में, और उन लोगों ने इनको तत्काल रायगढ़ मेडिकल कॉलेज भेज दिया था। देखिए, हर खबर में कोई ना कोई एक सबक होती है जो आपको अलर्ट करती है, जैसा कि हमारे संवाददाता रमेश शर्मा भी हमें बता रहे हैं। देखिए, बस और ट्रक की कहीं टक्कर नहीं हुई है, जो थोड़ी बहुत छू कर निकली है, लेकिन वो लोग इसमें चपेट में आ गए इस दुर्घटना में, जिनके या तो हाथ बाहर निकले हुए थे खिड़की से या तो सर, एक बच्चे की जान चली गई। तो जब भी बस में सवार हो तो ये कम से कम नहीं करना है आपको। बहुत शुक्रिया रमेश शर्मा इस जानकारी के लिए आपका।